तुम ठीक हो शादे? बिल्कुल ठीक हूँ मामा। सॉरी, घर थोड़ा बिखरा हुआ है, सफाई भी नहीं हुई भी। मैं आहिस्ता आहिस्ता शुरू कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, मैं हेल्प कर दूंगी। शाहजन बेटे, तुम्हें यहाँ हमारे सलीम मरूम के घर देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, मैं बयान नहीं कर सकता। इस बेटा, जब से मुझे ये इल्म हुआ था कि तुम बेघर हो चुके हो, तो दिल बहुत बेचैन था। नाराजगी के बावजूद बेचैनी सी थी, लेकिन ये सोच रहा था कि ना जाने तुम किस हाल में रह रहे हो, मगर यहां देखकर मुझे खुशी हुई कि तुम सही जगह पर खुश हो। बाबा, ये फरियाल का आइडिया ही था। फरियाल बता रही थी कि तुम्हारी जॉब लग रही है, अच्छी कोई जगह है जहां तुम्हें गाड़ी भी मिली है। जी बाबा, बस समझ आ रहा है आपके, मेहनत करना किसे कहते हैं, दूसरों की मदद करना किसे कहते हैं। वक्त हर हुनर सिखा देता है। सच है बेटा कि तुम्हें मेहनत करते हुए देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैंने भी इसी मोहल्ले से अपनी जिंदगी का स्टार्ट छोटी मोटी नौकरी से किया था, और देखो आज अल्लाह का करम है। सॉरी बाबा, आपको पूछा नहीं है, चाय पियेंगे या ग्रीन टी? कुछ भी, मैं चाय लेके आता हूँ। आप बैठे शाहजैन, मैं बनाती हूँ। नहीं नहीं फरियाल, तुम बिल्कुल तकल्लुफ मत करो, अभी तुम्हें ऑफिस भी जाना होगा, किचन में गर्मी बहुत होगी, पसीना पसीना हो जाओगे। मैं मैनेज कर लूंगी। मुझे इस बात की भी खुशी है कि तुम फरियाल को पहचानने लगे, उसकी सुनने लगे हो, हालांकि वो कब से कह रही है। बस बाबा, तब मैं बहरा था, आहिस्ता आहिस्ता कानों का महल पिघल रहा है, अब सब सुनाई दे रहा है। बहुत अफसोस होता है बेटा, बिनाई को तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। छोड़े बाबा, किस्मत में लिखे हुए कौन डाल सकता है। बस मैं भी चाहता हूँ कि अब माजी को बुला के अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। तुम जब चाहो घर वापस आ सकते, लेकिन एक बात याद रख लो, या फरियाल को कोई दुख न पहुंचे। थैंक्स। बाबा, आपसे एक बात भी करनी थी मुझे। मैं चाहता हूं कि फरियाल भी यहां मेरे साथ रहे। मैं आपकी इजाजत चाहता हूं। ये तो अच्छी बात है बेटा कि तुमने ऐसा सोचा, लेकिन अगर इसका फैसला फरियाल खुद करे तो बहुत अच्छी बात। बाबा, मैं भी नहीं चाहती कि मैं उस घर में इतने ऐशो आराम में रहूं। मैं चाहती हूं कि मैं यहां पर शाहजैन के साथ रहूं। ये घर भी बहुत बड़ा है, शाहजैन अकेले मैनेज नहीं कर सकते। बेटा, तुम्हारी जॉब का क्या होगा? मैं नहीं चाहूंगा कि तुम अपनी जॉब को छोड़ो। नहीं नहीं पापा, मैं भी नहीं चाहता फरियाल अपनी जॉब छोड़े, इसे अपनी जॉब कंटिन्यू रखनी चाहिए। ठीक है, ये तुम दोनों की मर्जी है, बस तुम दोनों को तो मैं खुश देखना चाहता हूँ। मगर मेरी एक शर्त है,
मैं चाहती हूँ कि शाहजैन खुद मुझे उस घर से यहाँ पर लेकर आए।